तो हेलो बाइक लवर, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि ये साल खत्म होने में बस कुछ ही दिन ही बचा हुआ है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023 में हम लोग को काफी सारे बाइक्स देखने को मिल गए थे। जैसा कि हमें KTM की तरफ से ड्यूक 390 देखने को मिला, उसके बाद हमें मिला TVS की तरफ से RTR 310R, और हमें R3 भी दिसंबर के मिड में देखने को मिल जाएंगे। तो ये साल हमारे लिए काफी अच्छा रहा, काफी सारे बाइक लॉन्च हुआ। और अगर इससे भी मन नहीं भरा तो भाई रुक जाओ, 2024 को आने दो, उसके बाद तो भाई तेल का मचने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने भी बाइक लॉन्च हो रहा है ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा बाइक ले। ऊपर से अप्रैल आके बता रहा है कि भाई हम किसी से कम है कि हम भी बाइक लॉन्च करेंगे। तो 2024 में हम लोग को अप्रैल RS 457 देखने को मिल जाएगा, मतलब कि गजब का चीज हो रहा है भाई, एक से एक बाइक लॉन्च हो रहा है। कौन सा बाइक ले इसमें कंफ्यूज हो गए। अप्रैल ने तो अनाउंस कर दिया कि अपना बाइक लॉन्च करने वाला है, तो इसमें क्या डिटेल्स होगा और क्या फीचर्स देखने को मिल जाएगा, इसमें क्या प्राइस रहेगा ऑन रोड प्राइस, और कब लॉन्च होगा, सब कुछ बताएंगे। वैसे मैं बता दूं कि एप्रिला RS 457 में हम लोग को काफी अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करना। सो करते हैं वीडियो को शुरू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एप्रिला की तरफ से हमें कोई बाइक देखने को मिलेगा इंडिया में। वैसे तो हमें 1000cc भी मिलता है, पर वो इंपोर्ट करवा के लाना पड़ता है इंडिया में। वैसे तो हमें एप्रिला की तरफ से स्कूटी हम लोगों को देखने को मिलता है इंडिया में। सो बात करते हैं इसके लुक के बारे में। तो एप्रिला का RS 457 सिमिलर लुक है 660 के तरफ, सेम हम लोग जाते हैं तो लुक सेम ही मिलेगा हम लोगों को। दोनों ही बाइक लॉन्च होने वाला है, पर अगर एप्रिला RS 457 सक्सेसफुल रहा मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तो भाई एप्रिला RS 660 को भी इंडिया में लॉन्च करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर जो देखने को मिलेगा वो डिस्प्ले में हम लोग को TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इवन हमें 3 टाइप्स मोड देखने को मिल जाएगा, और हम इसमें स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ वगैरह, हमें SMS वगैरह देखने को मिल जाएगा। इवन हमें म्यूजिक कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ हम लोग को स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा। वैसे तो बाइक का लुक काफी बढ़िया लुक है, और इसके साथ भी काफी अच्छा फीचर्स देखने को मिलेगा, मतलब कि कॉम्बो टाइप का हो गया, काफी बढ़िया चीज बनाया है एप्रिला ने। सो बात करते हैं टायर सेक्शन के बारे में। सो हम लोग को रेयर में टायर देखने को मिल जाएगा 150 सेक्शन का टायर, हम लोग को फ्रंट में देखने को मिल जाएगा 110 सेक्शन का टायर। फ्रंट में हम लोग LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, इसका DRL काफी अच्छा लगा मुझे, काफी शार्प लुक है। ओवरऑल लुक के बारे में बात करें तो काफी बल्की टाइप का लुक है। तो एप्रिला में हमें अपसाइड डाउन HD फॉग देखने को मिलेगा जो एडजस्टेबल है। रेयान में भी हमें जो मोनोशॉक मिलेगा वो भी एडजस्टेबल है। अगर R3 के कंपैरिजन में जाए तो दोनों में ही हम लोग को ट्विन सिलेंडर देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छा प्रोड्यूस करेगा पावर। दोनों में ही काफी अच्छा कंपटीशन होने वाला है, देखते हैं कि कौन जीतता है बाइक लॉन्च होने दो उसके बाद। सो अभी जो मेन मुद्दा है उस पे बात करते हैं, तो बाइक कब लॉन्च होगा। जो एप्रिला का ऑफिशियल अकाउंट है, मतलब यूट्यूब अकाउंट है, तो उसमें अनाउंस किया कि बाइक लॉन्च होने वाला है 2024 में, पर कोई पर्टिकुलर डेट या मंथ नहीं कहा। ये शायद हम लोग के लिए कोई सरप्राइज है। सो वेट करो कि 2024 में कब लॉन्च हो जाए। सो एप्रिला का प्राइस क्या होने वाला है। सो एप्रिला का प्राइस जो होने वाला है लगभग 4 लाख या 4,50,000 तक जाने वाला है। सो आशा करता हूँ कि वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करना। तुम आप लोग यार वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों यार? कर दो यार, फ्री है। सो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कॉमेंट में बताना कि R3 या एप्रिला RS 457। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।